हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैमगो व्लॉग्स। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट एपिसोड 4 में दिखाने वाले हैं कुंभा पैलेस। तो देखिए, जब हमने यहाँ से एंट्री ली थी तो बाहर ही मिल रही थी फ्रिज मैग्नेट। तो हमने यहाँ से फ्रिज मैग्नेट ली बहुत सारी। हमने यहाँ से 100 रुपीज़ में 4 मैग्नेट ली थी, तो आप भी ले सकते हो। तो यहाँ पर बाहर लगा हुआ है कुंभा महल के बारे में ये रेड स्टोन, जिसपे इसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और इस रास्ते से होते हुए हम अंदर जाएंगे। चित्तौड़गढ़ किले का सबसे विशेष महल महाराणा कुंभा का ही कुंभा महल। इसके बाहर ही जो प्रशस्ति पत्र लगा हुआ है, ये हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताता है और महाराणा कुंभा के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। क्या आप जानते हैं, ये महल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसे एशिया के सबसे बड़े महलों में से एक माना जाता है। यानी कि अगर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने आए हैं तो इसका मतलब है कि आपने पूरे एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट देख लिया है। और अब हम आपको दिखाएंगे ये स्पेशल मैकेनिज्म। ये है यहाँ की स्पेशल चक्की, जो कि यहाँ पर जितने भी आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी इमारत दिखाई दे रही है, उन सब के लिए मसाला बनाने के काम आती थी। अब इस तरह से समझाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। राजस्थान के कुछ इलाकों में आजकल भी इसी मेथड को यूज़ किया जाता है। इस तरह से गोल गोल चक्की नुमा एक आकार बनाया जाता है। उसके बाद ये जो आपको नाली की तरह थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के लाइम पेस्ट बनाने में यूज़ किए जाते थे। जैसे कि पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में जो ताकतवर दीवारें होती थी, उनको बनाने में अलग अलग प्रकार के आइटम्स यूज़ किए जाते थे। जैसे कि अलग अलग प्रकार की दालें ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं और घी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को एक वाटरप्रूफ दीवार बनाने के लिए काम लिया जाता था और एक वाटरप्रूफ प्लास्टर करने के लिए भी काम लिया जाता था। क्योंकि पहले के ज़माने में सीमेंट तो हुआ नहीं करती थी, तो उस समय इन सब चीज़ों में थोड़ा चूना मिलाकर एक महीन पेस्ट बनाया जाता था, जिसे कि लाइम पेस्ट कहते थे। और उन्हें पत्थरों के बीच में लगाकर पत्थरों को चिपकाया जाता था और बड़ी से बड़ी, मोटी से मोटी स्ट्रॉन्ग दीवार बनाई जाती थी। अब आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा ताकतवर पेस्ट होता था कि ये दीवारें आज तक लगभग 600 साल बाद भी इतनी ताकतवर तरीके से खड़ी हुई हैं। कितनी बार तो इनके ऊपर तोप के हमले भी हो चुके हैं। और अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप एडहेसिव्स एंड मोर्टर्स इन एंशिएंट इंडिया नामक ये किताब पढ़ सकते हो। इसमें इस पूरे एंशिएंट तरीके में बनाए जाने वाले मसालों के बारे में विस्तृत विवरण है, तो आप आराम से उसे भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपको टावर दिखाई दे रहा है, इस टावर में उस ज़माने में बड़े बड़े ढोल नगाड़े रखे जाते थे और उसे बजाकर पूरे महल को एक बार में चिताया जाता था। साथ में यहाँ जो हमको ये छोटी छोटी सी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, ये छोटी छोटी खिड़कियाँ थी, जब भी यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता था तो रानियों के लिए थी। इनमें रानियाँ बैठा करती थी और ये जो बीच वाली बड़ी छतरी है, इसमें यहाँ की सबसे मेन वाली रानी बैठा करती थी। इसके साथ ही ये जो आपको नीचे जगह दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर 7 घोड़ों को बांधने के लिए जगह थी। जो यहाँ के राजा कुंभा थे, वो सूर्यदेव के बहुत बड़े उपासक थे। जैसे कि सूर्यदेव के रथ में टोटल 7 घोड़े होते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी यहाँ पर 7 घोड़ों को रखने के लिए ये जगह बनाई थी और उन घोड़ों की पूजा की जाती थी। वैसे तो ये महल अब बहुत ही ज़्यादा जर्जर अवस्था में पहुँच चुका है। चलिए अब यहाँ जो आपको ये संगमरमर नुमा उधर 3 खिड़की नुमा जगह दिखाई दे रही है, वो खिड़कियाँ नहीं हैं। वहाँ पर उस ज़माने में 50 किलो का बहुत बड़ा सूरज रखा गया था, क्योंकि जो यहाँ के राजा थे वो हमेशा सूर्य को जल अर्पण करने के बाद ही खाना खाया करते थे। तो काफ़ी बार क्या होता था कि सर्दियों के मौसम में और बारिश के मौसम में दो तीन दिनों तक सूरज नहीं निकलता था। तो इसलिए जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने यहाँ पर 50 किलो का सोने का सूरज रखवाया था, ताकि जिस दिन सूरज ना निकले उस दिन वो उन्हें ही जल अर्पण करके खाना खा सकें। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ का दरबार। तो चलिए अब हम दरबार देखेंगे। दरबार चाहे किसी का भी हो, अब तो राजा हम ही हैं। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं गौमुख कुंड तक पहुंचने वाली गुप्त सुरंग के पास। इस पूरे महल में यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी सुरंगें बनी हुई है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का शॉर्टकट है।
तो देखिए, ये है वो सुरंग जहाँ से सुबह सुबह रानियाँ और बाकी औरतें जाती थी और सीधा निकलती थी गौमुख कुंड पर और अपने स्नान आदि का कार्य करके वापस आ जाती थी बिना किसी की नज़रों में आए। और देखिए, अब मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर पहले दो फ्लोर्स बने हुए थे। ये जो छतरी है, यहाँ पर राजा बैठा करता था और सामने यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पर, ये तो नीचे वाला फ्लोर है जहाँ पर अंडरग्राउंड काम होता था, और ये जो ऊपर वाला फ्लोर था वहाँ पर चलता था दरबार। और इस दरबार में अलग अलग लोग आते थे और कोर्ट की तरह अपना अपना मुकदमा चलाते थे और राजा फैसला सुनाता था, और फैसला सुनाने का सारा काम यहीं पर होता था। और साक्षी होते थे वो 50 किलो के जो हमने आपको सूर्यदेव बताए थे वो। तो अब हम इतनी इम्पॉर्टेंट जगह पर आए हैं तो यहाँ पर आकर फ़ोटो खिंचवाना तो बनता है ना, तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक की। अब इतनी शताब्दियों के बाद इस दरबार की शक्ल सूरत तो बहुत बदल चुकी है, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का एंटरटेनमेंट प्लेस। तो देखो, ये जो आपको अंदर हम कमरा दिखा रहे हैं, यहाँ पर बाहर बैठा करते थे हमारे महाराज, और अंदर ये जो आपको छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सारे म्यूजिशियन बैठा करते थे। क्या होता था कि जब भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था तो अंदर यहाँ पर म्यूजिशियन बैठकर अलग अलग धुन बजाते थे, म्यूज़िक बजाते थे, और बाहर उसके हिसाब से पूरा डांस या फिर जो भी प्रोग्राम है वो चलता था। और इसके आगे बैठते थे हमारे महाराज ताकि उन्हें म्यूज़िक की आवाज़ एकदम साफ सुनाई दे और उनका अच्छे से एंटरटेनमेंट हो। यहाँ की खास बात क्या है कि कुंभा महल की छत पे से हमें यहाँ का पूरा व्यू दिखाई देता है। जैसा कि सबसे पहले ये जो हमको पहली इमारत दिखाई दे रही है, ये है मीराबाई जी का महल जहाँ पर वो रहा करती थी। और इसके थोड़ा लेफ्ट में अगर हम घूमते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चेयर्स दिखाई देती हैं। ये सारी चेयर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रोज़ रात को लाइट शो होता है, तो वहाँ पर दर्शकों के बैठने के लिए ही। और इसके पीछे हमें यहाँ दिखाई देते हैं दो मंदिर। जो बड़ा वाला मंदिर है वो है कुमशाह मंदिर, और जो छोटा वाला मंदिर है वो है मीराबाई जी का मंदिर जहाँ पर वो श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया करती थी। ये जो सामने हमें जगह दिखाई दे रही है, ये है शिव जी का दूसरा मंदिर, और इसमें ये जो हमें डोमडूमा कमरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रखते थे राजा अपने फेवरेट हाथी को, और उस हाथी को युद्ध में भी नहीं ले जाया जाता था। और अभी हमने जो दरबार देखा था ना, ये देखिए, ये उसी दरबार के दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर राजा बैठा करते थे और छोटी खिड़कियों में रानी बैठा करती थी, और यहाँ से आम दरबार को संबोधित किया करते थे। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी सीढ़ियाँ बन चुकी थी जो कि अब टूट गई हैं इतने समय होने के कारण, क्योंकि जब यहाँ पर पद्मावती के लिए युद्ध हुआ था और जौहर हो गया था और अलाउद्दीन खिलजी को अपने मन मर्जी की चीज़ नहीं मिल पाई थी, तब उसने यहाँ पर अंधाधुंध तोड़फोड़ करवाई थी जिसे आज तक सही नहीं करवाया गया है। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो भी टूट-फूट दिखाई देती है ये सारी उसी समय की है, और ये महल उसके बाद ऐसे ही रह गया था और आज भी वैसा का वैसा ही है। और यहाँ हमको दिखती है एक और सुरंग, और ये सुरंग ऐसी है कि यहाँ के तीन रास्ते हैं, एक उस तरफ और दो इस तरफ। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी सुरंग है। क्या आपको पता है ये वाली सुरंग जयगढ़ में निकलती है। और अभी जो हमने राजा के बैठने की छतरी देखी थी वो ऊपर से कुछ इस तरह की है। वैसे तो पूरा महल रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, लेकिन मेन मेन जगह ऐसे बनी हुई है, और यहाँ पर बैठती थी उनकी रानियाँ। तो हम देख लेते हैं कुछ इस तरह का था पूरे महल का व्यू, और यहाँ पर उसी महल के टूटे हुए टुकड़े रखे हुए हैं। और यहाँ देखिए, ये जो हमको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है जो कि अब बंद हो चुकी है, ये सीढ़ियाँ थी पद्मावती का जो जौहर कुंड था ना वहाँ तक पहुँचने की। इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए पद्मावती उस जौहर कुंड के लिए निकली थी, क्योंकि अगर उस समय लड़ाई के वक्त वो नॉर्मल रास्ते से जाते तो उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ज़रूर पकड़ लेता, इसलिए वो सारी महिलाएं इसी तरह से गुप्त रास्तों से गई थी। तो आज इस तरह हमने देखा पूरा का पूरा कुंभा महल। तो आपको ये कुंभा महल कैसा लगा और आपको इसके बारे में सारी बातें समझ आई या नहीं आई, तो हमें कमेंट्स में ये सब लिखकर जल्दी से बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट भी ज़रूर किया करो क्योंकि आप कमेंट्स बहुत कम करते हो। और आप जब भी यहाँ चित्तौड़गढ़ घूमने का प्लान बनाओ तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट को दोबारा से चेकआउट कर लेना ताकि आपकी सारी यादें ताज़ा हो जाए, और जब आप वहाँ पर जाओ तो सभी सोचे कि आप कितने इंटेलिजेंट हो कि आपको सारे फैक्ट और सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।